Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर एंड संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल के डे नंबर 2 के ऑफिशियल इंडिया ओवरसीज यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? डे नंबर 2 ऑफ एनिमल हैज सेंट लिटरली शॉक वेव्स इन द इंडस्ट्री। मुझे आज भी याद है, बड़े से बड़े ट्रेड एनालिस्ट शमशेरा के टाइम पर कह रहे थे शमशेरा's ओपनिंग डे हैज सेंट शॉक वेव्स इन द इंडस्ट्री। लेकिन वक्त बदलते हुए यहाँ पर टाइम ने लगता इस बार वाकई में इन द करेक्ट सेंस शॉक वेव गया है। किसने इमेजिन किया था कि रणबीर कपूर संदीप रेड्डी वेंगा के साथ आएगा? पहले दिन चलो 116 करोड़ रुपया कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है, जिसको ट्रेड बहुत ही अंडर प्ले कर रहा है। आप उस तरह के ट्वीट्स, उस तरह के मैसेजेस, उस तरह का रिएक्शंस लोगों का नहीं देखोगे कि ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, मैसिव जंप, ये वो, क्योंकि गाइस दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन दिस हैज कम आउट ऑफ सिलेबस। संदीप रेड्डी वांगा एंड रणबीर कपूर हैज कम आउट ऑफ सिलेबस। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो असली हकदार होगा। एंड दूसरे दिन 120 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके रणबीर कपूर हैज सेंड शॉक वेव्स। ही हैज सेंड शिवर्स डाउन द स्पाइन एंड द थ्रोट ऑफ मेनी बिग एक्टर्स। एंड ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में रणबीर कपूर विद द करेक्ट डायरेक्टर इज गोना गो क्रेजी। संदीप रेड्डी वेंगा को अब यहां से कोई रोक नहीं सकता, वो एक अलग लेवल का एनिमल बनने वाला है अभी। एंड उसकी आने वाली फिल्में बहुत लोगों के लिटरली नींद उड़ाएगी। हाँ, ये सेकेंड डे वर्ल्ड वाइड जो था ना, वो लिटरली स्पीकिंग आउटराइट हिंदी फिल्म का अब एनिमल के पास है। मुझे पता है एनिमल का सेकेंड डे एक सैटरडे है, लेकिन डे टू होता है, बस वहां पे बात खत्म होती है। एंड डे टू एनिमल बिकम्स द हाईएस्ट डे टू एवर, 120 करोड़। केजीएफ चैप्टर 2 है ऑलमोस्ट 127 प्लस। पठान का डे टू 114.80। मुझे पता है पठान का डे टू सैटरडे नहीं था, लेकिन एक डे टू होता है। RRR 127 करोड़, बाहुबली 165, हाईएस्ट डे टू बन गया है फॉर आउटराइट हिंदी फिल्म। एंड गाइस बात करूं यहां पर टॉप वर्ल्ड वाइड वीकेंड्स की, तो ऑब्वियसली गाइस जवान था, 370 प्लस का वीकेंड था उसका, पठान 336 का था, उसके बाद हमारे पास टाइगर 3 भी था ऑलमोस्ट 230 प्लस का। तो उन वीकेंड्स को चैलेंज करने के लिए यहां पर अब नंबर 2 की जगह लेने के लिए एनिमल जो है वो मैदान में उतर चुका है। एंड जब दो दिनों में ही 236 हो गया है, आई कैन सेफली से कि एनिमल जो है यहां पर वो ऑलमोस्ट 360 प्लस करोड़ का वीकेंड करने की कगार पर है, जो कि आई थिंक पठान के 3 दिनों को कंफर्टेबली बीट करेगा एंड जवान से बस थोड़ा ही पीछे रह जाएगा। जवान ने 2 दिनों में 240.47 करोड़ कमाई की थी एंड एनिमल ने 2 डेज में 236 करोड़ कमा दिया है। दिस इज वेरी क्लोज। एक अडल्ट फिल्म के लिए यहां पर फुल क्रेडिट मिलना चाहिए इस पिक्चर को गाइस यहां पर। एंड हाईएस्ट फर्स्ट नेट 2 डेज का है ना गाइस, पठान हिंदी में ऑलमोस्ट 123 प्लस करोड़ था एंड एनिमल 113.12 है। जवान भी 2 दिनों में 111.73 करोड़ था। तो गाइस यहां पर एनिमल ने सीधा न्यूमरो उनो को टक्कर दिया है। एंड वापस से कह रहा हूं, अगर पठान जवान नहीं होती तो यहां एनिमल एक अलग वेव लेके एक अलग लेवल का पागलपना करता। अब गाइस बात करते हैं यहां पर डे नंबर 2 की, तो मेरा प्रेडिक्शन था 58 करोड़ हिंदी का, इसने ऑफिशियली 58.37 करोड़ कमाया है, व्हिच इज ह्यूमंगस। डे नंबर 1 54.75 एंड डे नंबर 2 58.37, सिर्फ हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 113.12 करोड़ कमाया है। दिस इज मैडनेस। नो ईद, नो क्रिसमस, नो दिवाली, नो कैमियो, नो फ्रेंचाइजी एंड दिस फिल्म इज डूइंग द मैड नंबर। साउथ का प्रेडिक्शन 9 करोड़ था एंड इसने ऑफिशियली 8.90 करोड़ कमाया है। इसी के साथ यहां पर गाइस ऑल लैंग्वेजेस ने इस फिल्म ने दूसरे दिन 67.27 करोड़ कमाया है। इसका ग्रॉस होता है 80.47 करोड़। ओवरसीज 30 का प्रेडिक्शन दिए थे बेवकूफ, 39.43 करोड़ का प्रेडिक्शन यहां पर किसी ने नहीं दिया था एंड फिल्म ने ओवरसीज 39.43 करोड़ कमाया है। 3 मिलियन प्लस नॉर्थ अमेरिका, 4 मिलियन के ऊपर जो है अभी यहां पर कलेक्शंस जो भागने की तैयारी हो रही है। एंड गाइस इस फिल्म ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ कमाकर सबकी बोलती बंद कर दी है। सो डे नंबर 1 116 करोड़ रुपीज एंड डे नंबर 2 120 करोड़। एनिमल 2 दिनों में 236 करोड़, ओवरसीज 39.43 करोड़, इसका कल का है, फर्स्ट डे 39.4595 करोड़ कमाया था, यानी कि ओवरसीज भी 2 दिनों में 79 करोड़ कमाया है। इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस यहां पर डे नंबर 1 63.80,
सेकेंड डे 67.27, ऑल लैंग्वेजेस 131.07 करोड़ कमाया है, जिसका ग्रॉस होता है 157.04 करोड़। सो मैडनेस विथ एनिमल हैज बिगन, एंड आज तो बॉस ये लिटरली पागलपना करने वाला है, क्योंकि आज ये 62-63 हिंदी में कितना मारेगा पता नहीं, एंड ऑल लैंग्वेजेस इज गोना गो कंप्लीट क्रेजी। 70 प्लस कंफर्म समझिए आप लोग ऑल लैंग्वेजेस का होने वाला है। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मामरन साली साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से stay cool, man.